आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में अर्शसन रीजन दिया हुआ है। अर्शसन है, मर्क्यूरी इज ए लिक्विड ट्रांजिशन मेटल। तो लिक्विड मेटल है लेकिन ट्रांजिशन नहीं है इसको हम लोग, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, देखिए ये डी ब्लॉक एलिमेंट तो है, बट अगर डी ब्लॉक आपके पास जो डी सबसेल है, अगर किसी एलिमेंट की डी सबसेल फुली फिल्ड है ग्राउंड स्टेट में भी और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी, तब जो आपका कंपाउंड होता है उसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट बोलने के लिए ज़रूरी है कि जो उसका डी ऑर्बिटल होता है एन माइनस वन सॉरी सबसेल, दैट शुड बी पार्शियली फिल्ड, ठीक है, आइदर इन ग्राउंड स्टेट और इन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन अगर दोनों में ही फुली फिल्ड है, फॉर एग्जांपल ZN, ZN का क्या होता है फॉर्मूला, सॉरी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ये बनता है आर्गन 3d10 4s2, और कॉमन ऑक्सीडेशन कितना होता है 2+, इसमें क्या बन जाएगा आर्गन एंड 3d10। तो दोनों ही केस में क्या है, d10 आ रहा है इसका, सेम केस क्या बनता है हमारा CD के लिए बनता है, उसमें 4d10 रहता है दोनों केसेस में, CD2 में भी और CD2+ में भी, सेम चीज़ यहाँ पे होती है मर्क्यूरी के साथ में। तो Hg2+ हो या फिर Hg हो, इसका भी क्या बनता है 5d10 बन जाता है, 5d10 डीकम्प्लीट है इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स में काउंट नहीं होता है, इवन दो मेटल है लिक्विड मेटल बट ट्रांजिशन नहीं है, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। रीजन क्या है, इट हैज स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग, ये भी गलत है। देखिए जनरली जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, ठीक है, इनके दोनों एस एन माइन एन एस इलेक्ट्रॉन और एन माइनस वन डी इलेक्ट्रॉन दोनों पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग के लिए, जिसकी वजह से जो काफ़ी अच्छे मेटल बनते हैं ये लोग, बट बाकी एचिंग की सी डी की या फिर एच जी की, तो इनके पास केवल ऐसे है पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि डी तो कम्प्लीटली फील्ड है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, अगर डी कम्प्लीटली फील्ड है तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा बॉन्डिंग में, जिसकी वजह से बॉन्डिंग वीक होगी, और इसी यही रीजन है कि इनको हम लोग वोलेटाइल मेटल बोलते हैं, और नीचे आने पे तो ये काफ़ी दूर चला जाता है डी, उसमें बॉन्डिंग अच्छी नहीं हो पाने की वजह से ये मेटल लिक्विड भी बन जाता है, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्ड नहीं है, ये भी गलत हो गया, वीक होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 4, दोनों ही गलत है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।